आइए आज जानते हैं भारत में कुल कितने धर्म हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां विभिन्न धर्मों और समुदाय के लोग शांतिपूर्ण और सद्भावना से रहते हैं। हिंदुस्तान में सभी लोगों को अपने रिलीजन का प्रचार और अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी है। वर्तमान समय में देश की आबादी 133 करोड़ से ज़्यादा है। ऐसे में आप भी जानना चाहते हैं कि इस आबादी में सबसे अधिक लोग किस धर्म को मानते हैं। जहां तक दुनिया की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 लोगों में से 8 लोग किसी न किसी रिलीजन से जुड़े हुए हैं, जबकि 2 लोग किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं रखते हैं। चूंकि हिंदुस्तान में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और लगभग सभी किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं, ऐसे में आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर भारत के प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं। हालांकि इस विश्व में मानवता से बढ़कर कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग अपने अपने ईश्वर को मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में 300 से भी अधिक धर्म के नाम हैं, लेकिन इनमें से महज 10 धर्म ही लोकप्रिय है, जिनकी संख्या भारत में भी देखने को मिलती है। अब सवाल ये है कि भारत में कुल कितने धर्म हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कुल 7 धर्म हैं जिन्हें भारत सरकार से मान्यता मिली हुई है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, जबकि दुनिया भर में धर्मों की संख्या 300 से भी अधिक मानी जाती है। इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली कंट्री है जहां अनेक धर्म के लोग रहते हैं। मनुष्य के विकास के साथ ही कई धर्म अस्तित्व में आए और इनसे अलग अलग धर्मों की स्थापना हुई। अब दुनिया भर के अधिकतर लोग किसी न किसी रिलीजन पर विश्वास रखते हैं, तो चलिए जानते हैं भारत में कितने धर्म मौजूद हैं। इस लिस्ट में पहले स्थान पर हिंदू धर्म है, जिसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से भारत में ही हुई है। इसे सनातन रिलीजन के नाम से भी जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में हिंदुत्ववादी लोगों की संख्या 82 करोड़ है, जो भारतीय आबादी में 80% है। 2020 में भी करीब 80% भारतीय जनसंख्या हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है। भारतीय जनसंख्या में हिंदुओं के बाद दूसरा नाम इस्लाम धर्म का आता है, क्योंकि हिंदुओं के बाद दूसरी बड़ी आबादी मुस्लिम लोगों की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 14.80 करोड़ मुस्लिम रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं। यह भारतीय आबादी में करीब 14.2% है। दुनिया में सबसे अधिक लोग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, वहीं भारत में यह तीसरे स्थान पर मौजूद है। अगर आप सोच रहे हैं कि ईसाई लोग हिंदुस्तान में अंग्रेजी शासन के दौर में आकर बसे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विद्वानों के मुताबिक ईसाई रिलीजन 6वीं शताब्दी से ही भारत में स्थापित हो गया था। पिछली जनगणना के अनुसार करीब 2.50 करोड़ भारतीय लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और इनकी अधिकतर जनसंख्या दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। सिख धर्म। इस रिलीजन की उत्पत्ति भी मुख्य रूप से हिंदुस्तान में ही हुई है। ऐसा माना जाता है कि भारत में 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अब आपको इनकी संख्या दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सिख रिलीजन अनुयायी इंडिया को छोड़कर दूसरे देश में बस रहे हैं। भारत की जनसंख्या में करीब 1.92 करोड़ लोग सिख धर्म को फॉलो करते हैं। बौद्ध धर्म। भले ही भारत में बौद्ध धर्म इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन पूर्वी एशिया महाद्वीप में यह धर्म काफ़ी प्रचलित है। भारत में बौद्ध रिलीजन की ज़्यादातर संख्या आपको पूर्वी भारत के राज्यों में देखने को मिलेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 79.55 लाख लोग बौद्ध रिलीजन को मानते हैं। जैन धर्म। यह पूरे भारत में प्रचलित है। भले ही इनकी संख्या बौद्ध धर्म से कम है, लेकिन यह पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, जबकि बौद्ध धर्म के लोग भारत के पूर्वी राज्यों में ही देखने को मिलते हैं। जैन रिलीजन की स्थापना भी इंडिया में ही हुई थी और इनकी संख्या भारत में अधिक है। हिंदुस्तान में करीब 42.25 लाख लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं। पारसी धर्म। ऐसा माना जाता है कि पारसी धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी।
इसके संस्थापक महात्मा जरथुस्ट हैं, इसलिए इसे जरथुस्ट्री धर्म भी कहा जाता है। इनकी अधिक संख्या भारत में ही मौजूद है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 70,000 है। ये दुनिया के दूसरे देशों में भी रहते हैं। कुल मिलाकर भारत में 7 प्रमुख धर्म हैं, जिनकी संख्या सबसे अधिक है। इन सब के अलावा भारत के करीब 7 लाख लोग नास्तिक हैं, मतलब यह लोग किसी भी रिलीजन पर विश्वास नहीं रखते हैं। ऊपर बताए गए जनसंख्या के आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं, जिसे अब करीब 9 साल हो चुके हैं। ऐसे में वर्तमान में इनकी संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा, जिसकी नई रिपोर्ट 2021 में देखने को मिल सकती है। तो अब आप जान गए होंगे कि भारत में कुल कितने धर्म हैं। आपको भी पता चल गया होगा कि इंडिया में हिंदुओं का वर्चस्व क्या है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया में भी हिंदुओं की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ऐसा नहीं है। इस दुनिया में सबसे अधिक आबादी 2.2 अरब ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसके बाद इस्लाम 1.6 अरब और तीसरे स्थान पर हिंदू 1 अरब। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।